बीते शुक्रवार यानी 30 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी दो दशकों को काफी पसंद आ रही है। फिल्म में टाइगर के एक्शन सीन से लेकर दिशा के साथ उनके रोमांस को भी बखूबी बताया गया है। फिल्म को लेकर लंबे समय से बॉलीवुड के साथ ही आम लोगों में भी काफी क्रेज बना हुआ था। फिल्म के कई गाने, पोस्टर्स और ट्रेलर के सामने आने के बाद से ही इसे देखने का उत्साह लोगों में देखते ही बन रहा था। गौरतलब है कि यह फिल्म बागी का सिक्वल है। बागी में टाइगर श्रॉफ के साथ ही लीड रोल में श्रद्धा कपूर को भी देखा गया था। अब हम आपको लेकर चलते हैं फिल्म की कमाई की तरफ। तो आपको बता दें कि ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने हाल ही में फिल्म की कमाई के आंकड़े शेयर किए हैं। रमेशा बाला ने बताया है कि फिल्म ने अपने पहले ही दिन 25 करोड़ की कमाई को अंजाम दिया है और इसके साथ ही यह फिल्म इस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। इसके साथ ही फिल्म की कमाई को लेकर यह कयास भी लगाए जा रहे थे कि यह जल्दी ही 100 करोड़ के आंकड़े को भी टच कर सकती है। अब हाल ही में ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने फिल्म के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके अनुसार फिल्म ने शनिवार को 20.40 करोड़ और रविवार को 27.60 करोड़ का कारोबार किया है। इसके साथ ही फिल्म ने सोमवार को भी 12.10 करोड़ का बिजनेस किया है, यानी फिल्म ने अब तक 85.20 करोड़ की कमाई को अंजाम दिया है। फिल्म में दिशा और टाइगर के साथ ही रणदीप हुड्डा, मनोज बाजपेयी, प्रतीक बब्बर और दीपक डोबरियाल भी दिखाई दे रहे हैं। सभी कलाकारों ने मिलकर इस फिल्म को और भी बेहतरीन बना दिया है। प्रतीक इस फिल्म में विलन का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। फिल्म बागी के रिलीज होने से पहले ही फिल्म बागी 2 बनाने की घोषणा भी की जा चुकी है।